हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक ऑटोकैड की बहुत प्यारी सी ट्रिक के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और टॉपिक्स बता सकते हैं किस किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। तो ट्रिक क्या है आज की? अब ट्रिक ये है, अब आप देख रहे हो कि ये मेरा दीपक वर्मा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और जब मैं इसे मिरर करता हूँ तो ये उल्टा करके आता है। तो मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इरेज करता हूँ। अब आप एम आई एंटर करोगे, सिलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को, एंटर, और जब आप मिडल पॉइंट लोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो वर्ड है वो उल्टा करके आ रहा है, जिससे आप रीड नहीं कर सकते। ये रिवर्स डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं देखना है, मेरे को सीधा ही देखना है जैसे कॉपी करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे को एक कमांड एंटर करनी है, मिरर टेक्स्ट, एम आई डबल आर ओ आर टी प्रेस करोगे तो यहाँ पे आएगा मिरर टेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आप देखोगे एंटर न्यू वैल्यू फॉर मिरर टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे 1 है तो इस वैल्यू को आप कर दे 0। जैसे आप 0 करोगे, आप कर्सर के साथ देख सकते हैं 0, एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसको नीचे कॉपी किया। अब इसको अगर मैं एम आई एंटर मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और अब मैं इसको मिरर करूंगा यहाँ पे, तो अब आप देख पाओगे कि वो बिल्कुल सीधा आएगा, जिसको आप रीड कर सकते हो। तो ये दोनों ही कंडीशन आपके सिस्टम में हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वैल्यू को 0 कर दे ताकि वो सीधा है। तो ये थी आज की ट्रिक। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।